नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर और मध्य भारत के गुजरात 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रणेप इलाके में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया। पीएम जब मतदान करने रणेप पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। वहीं पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी थी तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर स्याही का निशान भी दिखाया। इस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। वोटिंग के बाद पीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली चुनावी परंपरा विकसित की है। इसका उत्तम उदाहरण इस इलेक्शन में नजर आया। इसके साथ उन्होंने गुजरात के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात की जनता में सत्य को स्वीकारने का स्वभाव है। इस स्वभाव के चलते वे लोकतंत्र के इस पर्व में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई खराड़ी सुरक्षित मिल गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया था कि रविवार रात खराड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने तलवार से हमला किया, जिसके बाद से वे लापता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुजरात की जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मतदाताओं से अपील ट्वीट किया, ये चुनाव गुजरात की नई उम्मीदवार और आकांक्षाओं का चुनाव है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।